चैनल शुभ बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है विजय कुमार जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। कान की तकलीफ के चलते आप हमारे पास पहुंचे हैं, और सबसे पहले हम विजय कुमार जी से जानना चाहेंगे कि आपके कान में क्या तकलीफ चल रही है। सर, इस समय हमारे कान में तकलीफ ये है कि कान पूरा सनसनाहट सा ऐसे लगा रहता है जी, और बहुत मतलब कि दर्द होता है। इधर पूरा खाना वाना कुछ खा नहीं पाते, मुंह पूरा खुलता नहीं है जी, और उसके बाद में इधर सूजन भी आ जाती है। तो दवा जब तक खाते हैं उसका असर जब तक रहता है जी, तब तक ठीक है, उसके बाद में फिर से जी वही समस्या आ जाती है। उसमें मतलब मवाद भी निकलती है जी, तो बस वही दवा से कंट्रोल रहता है। उसके बाद चाहे जितनी अच्छी दवा खा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से वैसे हो जाते हैं जी। अब हम देखना चाहेंगे आपके कान में क्या चल रहा है जी। सबटोटल परफोरेशन, कान के पर्दे में एक बड़ा छेद है, सबटोटल परफोरेशन, मध्य कर्ण में गलन है, डिस्चार्ज है। एक बार दूसरे कान में दिखा दीजिए जी। कान में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर हम नाक को देखें जी, नाक हमें अवरुद्ध तो नहीं रहता है, नाक बंद तो नहीं रहते नहीं हैं। सर, नाक बंद नहीं रहती। अच्छा सर, कुछ कहना चाहेंगे हम जी। सर मतलब जब ये पर्चा जो दिखाया आपको जी, जब यहाँ से दवा ला रहे थे तो ये बोले कि ऑपरेशन होगा दूरबीन द्वारा जी जी, तो ये यही नाक से ऑपरेशन किए थे, मतलब थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकल रहा था जी, तो उसके बाद में एक दिन में मतलब बिल्कुल ठीक हो गया था। तो वो बोले कि ऑपरेशन हो गया, तो सर उस समय 25,000 उनसे ले लिए थे जी, पर कुछ आराम नहीं हुआ था। वही जब तक दवा खाए थे तब तक आराम था, उसके बाद में वो ऑपरेशन बोल के बोले कि ऑपरेशन हो गया जी। ऑपरेशन किया था जी, अभी देख लेते हैं जी। पीछे नहीं जाइए, आराम से यहीं रुकिए। ओके, अब टीम द्वारा आपकी विभिन्न जांचें की जाएंगी और आपकी तकलीफ को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया जाएगा और उसके अनुरूप जी। नमस्कार, मेरा नाम विजय है और मैं प्रयागराज जिले से आया हूँ। मेरे लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम थी, तो मैं इलाहाबाद में बहुत जगह कई डॉक्टरों से मिला लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला इसका जी। तो मैं सर का वीडियो देखा और इसी माध्यम से मैं सर से फ़ोन से बात किया। उसके बाद सर से बात हुई तो फिर सर से मिलने आया, तो फिर उसके बाद कान से संबंधित क्या तकलीफ रहती थी? सर कान में बहुत बड़ा सुराग है, उसके बाद में बहुत दर्द रहता था और इधर से पूरा सूजन आ जाती थी जी। तो खाना वाना खाने में या मुंह खुलने में बहुत दिक्कत आती थी जी। तो जब और डॉक्टर मतलब वहाँ इलाहाबाद में दिखाए, डॉक्टर से दवा लें, तो जब तक दवा का असर रहता तो ठीक रहे, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाए और कान बहता रहे हमेशा, तो वो दर्द हमेशा बना रहे। फिर कान में दर्द, सूजन जी सर, कान का बहना जी, सुनाई में कमी, ये आपकी तकलीफें हैं जिसके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए दूरबीन पद्धति से हम ऑपरेशन थिएटर में हैं। और सबसे पहले एनेस्थेटाइज करने की प्रक्रिया होगी ताकि ये ऑपरेशन दर्द रहित रहे जी। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके विजय जी। यस सर, दूरबीन द्वारा आपके कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया है और अब हम कान के आंतरिक हिस्से को देख रहे हैं। फैंटास्टिक, एक बार कान का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए। हम देख सकते हैं कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का कोई चीरा कट टाका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। ओके जी। और एक बार विजय जी से मिलवा दीजिए। विजय जी कैसे हैं? जी सर, आपके कोऑपरेशन से, सहयोग से ये काम संपन्न हो पाया जी। और अब ड्रेसिंग करके आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है? आपका ये बिंदु अब क्लियर हो जाएगा और आने वाली भर्ती में आप अपीयर हो सकते हैं। ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट। ओके।